हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फ़ोन में आप लोग कॉल फॉरवर्डिंग कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको कॉल फॉरवर्डिंग करना है, अगर आपके पास दो सिम है और दो फ़ोन है और आपके इस फ़ोन में जो है किसी का कॉल आता है, मतलब इस सिम में कॉल आ रहा है लेकिन आपको जो है इस कॉल को आप लोग अपने दूसरे सिम में भी जो है फॉरवर्ड करना चाहते हो, ताकि इस सिम में अगर कोई कॉल करे तो वो जो कॉल लेगा इस वो आपके दूसरे फ़ोन में भी जाने लगे, तो इसको बोलते हैं गाइस कॉल फॉरवर्डिंग, मतलब कॉल को फॉरवर्ड करना। तो कैसे कॉल को फॉरवर्ड कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉल फॉरवर्डिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जो है इस फ़ोन के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है जिससे आप लोग कॉल करते हो। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सप्लीमेंटरी सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, तो इस सप्लीमेंटरी सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग वगैरह होगा और यहाँ पर देख सकते हैं हमें ऑप्शन मिला कॉल फॉरवर्डिंग का, तो इसको लोडिंग हो जाने देंगे। उसके बाद कॉल फॉरवर्डिंग पर आपको क्लिक करना होगा, तो इस कॉल फॉरवर्डिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद वॉइस कॉल्स का ऑप्शन आएगा, वॉइस कॉल्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से लोडिंग वगैरह होगा और नीचे देख सकते हैं ऑलवेज फॉरवर्ड, फॉरवर्ड व्हेन बिजी, फॉरवर्ड व्हेन अनएंसर्ड, फॉरवर्ड व्हेन अनरीचेबल। तो जब भी आपको फॉरवर्ड करना है आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, लेकिन यहाँ पर लोडिंग हो रहे तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो जब लोडिंग हो जाए तो जब भी फॉरवर्ड करना है उस पर क्लिक करेंगे और जिस नंबर पे फॉरवर्ड करना है उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर एक इनेबल का ऑप्शन मिलेगा, इनेबल पे क्लिक कर देंगे तो आपके फ़ोन में उस नंबर पे कॉल फॉरवर्ड होने लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फ़ोन में आप लोग कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।